सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आज दिनांक 29 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज कैंपस में नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह मुक्ति हेतु चलाए जा रहे समाज सुधार अभियान में शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। समाज सुधार अभियान का जो हमारा मकसद है आप लोगों को पता है। आपने 24 नवंबर 2005 से हम लोगों को काम करने का मौका दिया, उस समय से आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। मगर समाज को सुधारने के लिए काम नहीं होगा तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर से मेरा विशेष लगाव है। 1,89,000 लीटर देसी शराब, 3,24,000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। शराब से जुड़े मामलों में 1,788 गाड़ियां जब्त की गई। कॉल सेंटर में जहां औसतन 70-80 कॉल प्रतिदिन आते थे, जो हम लोगों ने कॉल सेंटर में बनाया था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिले तो तत्काल आप सूचना करिए, आपका नाम नहीं हम लोग कोई उजागर करेगा, लेकिन उसके आधार पर जो भी जरूरी कार्रवाई है वो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तो ये काम जो किया गया, तो जहां पहले ये जो हम लोगों ने अभियान शुरू कराया उसके पहले जो 70-80 कॉल प्रतिदिन आते थे, अब 190 से लेकर के 200 कॉल प्रतिदिन आ रहे हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं, कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभियान चलाना है तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं और मेरे पीछे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट? अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है? इसलिए जरा कृपा करके जो चीज चल रहा है, और आज आपने महिलाओं की बात नहीं सुनी, हो गया बड़ा, किस किस ढंग से महिलाओं में जागृति आ रही है, महिलाओं में जागृति आ रही है, और आप पुरुष हैं, आप में जागृति नहीं आएगी? खाली महिलाओं की जागृति के लिए हम अभियान चला रहे हैं कि पुरुषों में भी जागृति आनी चाहिए? इसलिए जरा इन सब बातों पर ध्यान रखिए। यहाँ अलाउड है आप लोगों को देखने का, तो जरा गौर से देखिए, समझिए और सीखिए। अपनी बात कुछ कहनी हो उससे हम निकलेंगे बाहर, निकल करके अपनी बात कह दीजिएगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए। और अगर कोई अपनी बात कहना भी चाहते हैं मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन जरा जो काम चल रहा है इस काम पर ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप भी अपने आप को बिल्कुल नष्ट करिएगा, यह हम आपको कह देना चाहते हैं।